थोड़ा बाल आगे रख लेती हूँ ना, चैनल्स है ना, न्यूज़ चैनल, ठीक है। सबसे पहले तो मैम, नया जो आप आज किरदार निभा रहे हैं, एम्पायर का पोत, एम्पायर, तो ऐसा रोल है, कितना मजा आ रहा है? ओह माय गॉड, मैंने हमेशा, ये बीसीएल का मेरा फोर्थ सीजन है, हर सीजन में थ्री, पिछले लास्ट सीजन में मैं हमेशा एज अ यू नो प्लेयर खेली हूँ और टीम में रही हूँ, लेकिन अब मैं इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में चली गई हूँ, मेरा अपग्रेड हो गया है, तो अब मैं फोर्थ एम्पायर बन गई हूँ और इतना मज़ा आ रहा है फोर्थ एम्पायर बनने में। और मेरे जो दूसरे जो एम्पायर है वो किसी काम के नहीं है, वो कोने में खड़े होकर लाइन मार रहे हैं, लव लपाटा कर रहे हैं, और मैं अकेली इतना मेहनत कर रही हूँ, उनको कोई पड़ी नहीं आउट बॉल, ये वो नॉट आउट किसी भी चीज़ की, वो सिर्फ सब सेलिब्रिटीज़ के साथ खड़े होकर, पता नहीं दोबारा इनको मौका मिलेगा ना मिले बात करने के लिए, तो बिल्कुल वो बिल्कुल लाइन मार रहे हैं और मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, माई गॉड। और मतलब आके ना इतना डिसीजन देना पड़ता है, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होता है डिसीजन। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी चेन्नई टीम बहुत अच्छा खेलती है, कभी दिल्ली की टीम बहुत अच्छा खेलती है, और गोवा की टीम तो नाक कटा दिए हैं, वो इतना, ये क्यों आई है मुझे पता नहीं, बट इनके ये कितना, लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत बकवास खेला था, मतलब कि सब आउट हुए थे, 0-0 पे ही आउट हुए थे, और इस बार भी गोवा सुधर ही नहीं रहा है। ये गोवा को तुम चले जाओ भैया, छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी पड़ी है गोवा की टीम, तुम चले जाओ। दोस्तों सब लोग एम्पायर से झगड़ा करते हैं, सिर्फ मैं एम्पायर को इतना प्यार करती हूँ, चुमियाँ उमियाँ देती हूँ, हैं, और वो तो इतना खड़ूस है। राखी, इंटरनेशनल टीम का, जैसे विराट कोहली को हैंडसम अंक कहते हैं क्रिकेट में, तो बीसीएल का हैंडसम अंक कौन है आपके साथ? एक्चुअली हर टीम में एक, जैसे बीसीएल का एक सलमान खान भी है, क्या नाम है, बब्बर, अरे वो अपना सलमान खान, बब्बर क्या, पारस बब्बर जो है वो बिल्कुल सलमान खान है, और वो हम कुछ ना बोले, हमारे इंटरव्यू में यही घुसते बोले, ये देखो ये चेन्नई सहवाग टीम का अमरीश पुरी है, ये फुलशन ग्रोवर है, बट आई रियली प्राउड ऑफ यू, इज वेरी गुड कैप्टन, सबको पूरे टीम को पकड़ के रखा, ये देखो मैं यहां के यहां, ये हर टीम में ना एक अमरीश पुरी है, गुलशन ग्रोवर, एक शाहरुख खान है, एक सलमान खान है, एक विराट कोहली है, और तो एक शिव है, तो शिव तो बिल्कुल कपिल देव की तरह है, और वो आता है और लिटरली वो अपनी बैट है ना, बैट पे तेल लगा के आता है कि बिल्कुल बॉल जो है फिसल जाए, और बहुत मज़ा आता है सबके साथ इंटरव्यू लेने में, फिर सबकी बजाने में, मैं तो सबकी बजाती हूँ, और स्पेशली साहिल करके है, उसकी बैटिंग तो बहुत अजीब है, मैंने उसको कहा तो बैटिंग कर रहा है टट्टी कर रहा है, तो लिटरली ग्राउंड पे क्रिकेट कम हुतुतु कबड्डी ज़्यादा हो रही है, और ये बीसीएल मतलब पूरा टोटली एंटरटेनमेंट 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 मैच है सेलिब्रिटीज का। नहीं मुझे सिर्फ बीसीएल पसंद है, आईपीएल मुझे नहीं इंटरेस्ट है, हाँ उसमें मेरा फेवरेट विराट कोहली है नो डाउट, बट बीसीएल में जो मज़ा है ना वो आई डोंट थिंक सो, वो पैसों का गेम है, ये एंटरटेनमेंट का गेम है। थैंक यू। जी चलो बोल, अच्छा एक छोटी सी जनता बैठ गई, हां आ जाओ पूछ लो, मैं एक एक सबको जवाब दे दूंगा, चलो चलो बोल।
सीजन है और दो सीजन तो आपके ही नाम रही है, थर्ड रहते रहते रह गए, चौथे सीजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार इट्स ऑलवेज नाइस, आई थिंक आप किसी भी शो से अगर जुड़ते हैं फिक्शन या नॉन फिक्शन, आपको हमेशा यू नो यू वांटेड टू कम बैक ओवर एंड ओवर अगेन, एंड आई थिंक एवरी टाइम इट कम्स बैक यू रियलाइज कि शो लोग पसंद कर रहे हैं या शो चल रहा है, दैट्स व्हाई वो वापस आता है. वेरी एक्साइटेड, वेरी ग्लैड दैट BCL इज़ बैक, बिकॉज आई थिंक ये एक वन एक बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट शो है जितने भी रियलिटी होते हैं रियलिटी स्पेस में, बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स रियलिटी शो, तो बहुत मज़ा आता है. वी ऑल लव प्लेइंग क्रिकेट, सो आई थिंक अपने अपने फ्री टाइम में से जितना भी टाइम मिलता है हम लोगों को, आई थिंक एक स्पोर्ट खेलने का मौका मिल जाता है. तो जितने भी लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आई थिंक उनके लिए एक एक्सरसाइज भी हो जाती है. सो इट्स गुड. हमने जो भी दूसरे टीममेट्स से पूछे उन्होंने सभी ने कहा है कि दिल्ली ड्रैगन्स बहुत ही टफ टीम है. आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से कौन सी टीम टफ है आपके? आई थिंक दिल्ली ड्रैगन्स बहुत टफ है यार. आई थिंक इट्स गुड यार, मतलब इट्स गुड टू बी कंसिडर्ड यू नो फेवरेट्स एंड द टफेस्ट साइड. वो इसलिए भी है क्योंकि हम दो साल आपने जैसे काम जीते हैं, एक साल हम फाइनलिस्ट थे, रनर्स अप थे हम. आई थिंक एक सिंपल रीज़न आई थिंक विच इज़ प्ले, क्योंकि हमें पता है ये क्रिकेट का शो है तो हम सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, प्ले हार्ड क्रिकेट. बट आई थिंक यहीं कई लोग चूक कर जाते हैं कि हम इसको भी ले लेते हैं क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी सुपरस्टार है, या हम इसको ले लेते हैं क्योंकि चलो टीम भरनी है. आई थिंक दिल्ली डजंट डू दैट, बिकॉज टीम भरने का फ़ायदा क्या है? मतलब आप अगर आप आपका थॉट ही नहीं है जीतना, तो फिर आप कभी जीत नहीं पाओगे. हमारा थॉट ही जीतना होता है हर बार. दैट्स व्हाई आई थिंक वी मेक अ टीम विच कैन एटलीस्ट प्ले. सो आई एम ग्लैड इस साल नए लोग हैं टीम में, दे जेल्ड अप रियली वेल विद द ओल्ड पीपल एंड इट्स फन. वी वन टू मैचेस आउट ऑफ टू, होपफुली वी विल विन एवरीथिंग. ओके, जहाँ पर मैच चल रहा है बहुत ही इंटेंस अलग है, एक साइड एक इंटेंस और एक मैचेस चल रहा है, और दूसरे साइड एक फन मूवमेंट भी है जो एम्पायर बने हैं राखी सावंत जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेगा? आई थिंक राखी इज़ द बिली बाउडन ऑफ BCL. वो बहुत एंटरटेन करने के लिए, वो है जेन्युइनली एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली नो वन इज एक्सपेक्टिंग राखी टू गिव अ डिसीजन. आई होप शी डजंट गिव अ डिसीजन, बट शी इज जस्ट देयर टू एंटरटेन एवरीबॉडी. आई थिंक इट्स फन, क्योंकि थोड़ा अंदर ना इट्स समटाइम्स आई लाफ एट इट, क्योंकि बट समटाइम्स आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद जब उस मोमेंट में होता हूँ, आई थिंक इन द हीट ऑफ द मोमेंट थिंग्स गेट रियली हीटेड अप. तो आई थिंक वो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ना, आई थिंक इट शुड बी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरीवन इनसाइड नीड्स टू रिमेंबर दैट हम सब एक फ्रेटर्निटी हैं, वी आर ऑल एक्टर्स एंड वी शुडंट बी फाइटिंग विद ईच अदर फॉर समथिंग लाइक क्रिकेट, जो हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है. इट्स जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट, इट शुड गेट अस क्लोजर, इट शुड नॉट डिवाइड अस, एंड आई थिंक राखी इज डूइंग अ फैबुलस जॉब. आई नो एवरीवन नाउ एंड देन दे टोल्ड टू पोक पीपल, बट इट्स हाउ यू टेक इट. बट आई एम एंजॉइंग राखी. राखी इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू अस, सो आई एम हैप्पी. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. लुक अप, स्लाइडली चिन अप रखना, सुपर वन मोर, हल्का सा वो दादा, थोड़ा सा लाइट डाउन, हल्का सा डाउन करो, बस वो पीछे वाला सिप बंद करो. हाँ अभी हाँ, इतने पहले पेट शॉट देते हैं, उसके बाद लुक रजीश भाई, लुक अप, नाइस, सेम लुक कैमरा, नाइस ऑल विथ कोल्ड हैंड्स, या दोनों हाथ ऐसे रखो, वो बेटर है, नाइस वन, ये अच्छा. Face up, nice. One more.
Face up. Yeah, this is nice. Hold.